In today's video, guys, I will be showing you 6 tops from H&M and that are super duper amazing and very very affordable. Sare hi jo top hai na guys, 399 se start ho rahe hain aur 799 pe khatam ho rahe hain. So they are super duper affordable aur bahut hi zyada amazing collection dikhane wali hu main aapko. So kare start. Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel and I'm back with another very exciting haul video. और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, बिकॉज़ मैं आपके साथ में आज जो H&M के टॉप्स शेयर करूँगी ना, दे ऑल आर सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉप्स है, आई गारंटी अबाउट इट. एंड सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 399 से स्टार्ट होकर 799 तक के टॉप्स है गाइस, तो दे आर सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड दे आर सुपर स्टाइलिश. और सारे ही टॉप्स ना कुछ ऐसे हैं जिसको आप कहीं भी पहन सकते हैं, यू डोंट हैव टू थिंक. कई बार ऐसा कुछ टॉप्स होते हैं ना जिनको हम हर जगह नहीं पहन पाते, सोचना पड़ता है कि कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे ये वाला टॉप पहने या नहीं पहने. सो आज जो भी टॉप मैं आपको दिखाऊंगी ना, दे ऑल आर सुपर वियरेबल, आप कहीं पे भी उनको पहन सकते हो एंड दे विल लुक सुपर अमेजिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ना गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में. सो लेट्स, वेरी फर्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल इज अ क्रॉप वेस्ट टॉप जो मैंने 399 रुपीज से परचेज किया था. साइज मैंने इसका एम लिया था एंड आई परचेज्ड इट इन डार्क बेज कलर. बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे इसमें, बट आई जस्ट लव दिस कलर, दिस इज दैट टॉप एंड लुक एट द कलर, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये कलर है ना, जस्ट अमेजिंग. मुझे ना इस तरह के कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है जो न्यूट्रल शेड्स होते हैं ना, आई जस्ट लव न्यूट्रल शेड्स. एंड इस तरह का ये टॉप है गाइस, दिस इज नॉट अ रिप्ड मटेरियल, इसका जो मटेरियल है ना कुछ इस तरह का, इफ यू कैन सी इन कैमरा, सो दिस इज नॉट एट ऑल अ रिप्ड मटेरियल येट. ये बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल है. इसको मैंने पेयर किया था अपने अर्बेनिक के ट्राउजर के साथ में, दैट आर इन बेज कलर, लाइक लाइट बेज कलर होता है ना, वैसा वाला बेज कलर है. एंड उसके साथ में ना ये वाला टॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था. आई जस्ट लव द ओवरऑल लुक, जो कंप्लीट लुक निकल के आ रहा था ना इसको पहनने के बाद में उस ट्राउजर के साथ, दिस वॉज जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर था. इसको अपने ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ब्राउन कलर के ट्राउजर के साथ भी पेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट ना आप इसको बहुत सारे तरीके से पेयर कर सकते हैं एंड दिस कलर इज जस्ट टू डाई फॉर, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा ये कलर है. मेरे पास ना अभी तक ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के तो टैंक टॉप्स है, मेरे पास ब्राउन कलर का भी टैंक टॉप है, बट दिस कलर आई डिडंट हैव एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. मटेरियल इज सो नाइस, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इसका मटेरियल है और पहनने के बाद में इट वॉज सो कंफर्टेबल, इट वॉज लुकिंग सो नाइस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका जो नेकलाइन है ना इज अ राउंड नेकलाइन एंड इट वॉज लुकिंग सुपर डुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस टॉप सो मच. Coming up to the next top for this haul, जो अगला टॉप है guys, this is a cropped waist top जो कि मैंने साइज एम ए और 799 रुपीज में परचेज किया था एंड दिस इज दैट वेरी वेरी ब्यूटिफुल टॉप फ्रॉम दिस हॉल एंड दिस इज माई फेवरेट. लुक एट द टॉप, दिस इज जस्ट अमेजिंग. ये वी नेकलाइन में है आगे और पीछे से एंड लुक एट द मटेरियल, इसका जो मटेरियल है ना इज समथिंग लाइक दिस. ये ना गाइस जो रिप्ड होता है ना, रिप्ड वाला मटेरियल नहीं है, जो पहले मैंने आपको एक टॉप दिखाया था ना ये वाला भी ये मटेरियल नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स. बहुत ही ज्यादा ना अमेजिंग सा ये मटेरियल है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है. इसको मैंने साइज एम में परचेज किया था, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप इसको परचेज कर रहे ना गाइस, गो वन साइज डाउन, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और इसकी स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से ना अगर आपको एक साइज डाउन में लेंगे ना तो इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी एंड दिस इज हाउ इट वॉज लुकिंग. इसकी जो लेयर्स है ना इज अ डबल लेयर, लाइक इस तरह से इसमें ये लेयर्ड है जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी सी थ्रू का या मतलब बहुत ही ना अमेजिंग इसका फील है. इसका जो स्टफ है ना, इसकी जो क्वालिटी है स्टफ की इज जस्ट अमेजिंग. दिस इज अ गुड टू गो प्रोडक्ट गाइस. इस तरह के टॉप ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरह के टॉप्स को ना हम एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हैं. आई डू मतलब मैं ऐसी चीजें करती रहती हूँ, मैं इस तरह के जो टॉप होते हैं उनको एज अ ब्लाउज पहन लेती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एंड दे लुक सुपर डुपर अमेजिंग. इसको मैंने पेयर किया था अपने ज़ेब्रा प्रिंट वाले ट्राउजर्स के साथ में जो मैंने वापस H&M से लिए थे, पिछला सेल था ना, पिछले वाले सेल में वो परचेज किए थे एंड उनके साथ में मैंने उसको पेयर किया था और ये टॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था. एकदम ना निखर के आने वाले जो कपड़े होते हैं ना, निखर के आने वाले जो कलर्स होते हैं वो वाला कलर है. दिस इज जस्ट अ हॉट पिंक कलर और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. और एक और कलर अवेलेबल था गाइस इसके साथ में जो बेज कलर था एंड आई वाज विशिंग कि ना मैं वो वाला कलर भी परचेज करूं, बट उसमें ना साइज एम अवेलेबल नहीं था. बट जब ये रिसीव हो गया और जब मैंने उसको ट्राई ऑन किया ना, तब मुझे पता लगा कि ना ये साइज एस में भी मुझे बहुत आराम से आ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेचेबिलिटी एंड मेरा ना बिल्कुल भी मन ही नहीं भरा इसको पहनने के बाद में ना, इतना ज्यादा अच्छा लगा था ये. तो मैंने इसको वापस से ना, मेरा एक बेज कलर का ट्राउजर है जो मैंने पहले वाले टॉप के साथ पहना था ना, वापस उसके साथ में इसको ट्राई किया और उसके साथ भी ना ये बहुत अच्छा लग रहा था.
ये वाला टॉप ना हर चीज के साथ में सुपर अमेजिंग लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो कलर है ना इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये कलर है, किसी भी चीज के साथ में आप इसको पहनोगे ना उसके साथ में इट विल मेक द आउटफिट लुकिंग अमेजिंग, इतना ज्यादा अमेजिंग कर देगा ना आउटफिट को, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। आई जस्ट लव द क्वालिटी, द फिटिंग, द मटेरियल, एवरीथिंग इज सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ये टॉप है गाइस। दिस इज समथिंग आई जस्ट लव फ्रॉम दिस हॉल, मतलब इस हॉल में जो सबसे ज्यादा फेवरेट टॉप है ना मेरा इज दिस। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल, तो जो अगला टॉप है गाइस इट इज अ क्रॉप वेस्ट टॉप। सो आई हैव माय डायरी विद मी जिसमें मैंने साइड डिटेल्स लिखी हुई है और वहीं से देख के मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। सो दिस इज अ क्रॉप्ड वेस्ट टॉप जो मैंने साइज एम में परचेज किया था 599 में। सो बेसिकली दिस वाज ऑन सेल, ये शायद 799 का था और सेल में आ रखा था 599 में, ये अभी भी 599 में ही है। एंड दिस इज दैट टॉप, लुक एट द टॉप, दिस इज जस्ट अमेजिंग, अ ब्यूटीफुल एकदम बेसिक सा एक वेस्ट टॉप होता है ना, दिस इज जस्ट अ बेसिक वन और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी। इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है ना इज जस्ट अमेजिंग, जो रिब्ड मटेरियल होता है ना इट इज अ रिब्ड मटेरियल, ब्लैक कलर की इसमें लाइनिंग दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रेचेबल है और पहनने के बाद मैंने ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से मुझे फिट हो रहा था। साइज मैंने इसका एम लिया था एंड इसको मैंने पेयर किया था अपनी ब्लैक जींस के साथ में जो कि रिब्ड थी, मैंने ऑर्गेनिक से परचेज की थी एंड उसके साथ में ना ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो ओवरऑल आउटफिट का लुक आ रहा था ना बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था। दिस इज समथिंग जिसको कि ना मैं ऑफिस में भी बहुत आराम से पहन सकती हूँ। तो जींस के साथ में ट्राई करने के बाद में ना मैंने इसको अपने वापस से ट्राउजर के साथ में ट्राई किया था, ब्लैक कलर का ट्राउजर जो मैंने H&M से लिया था। सो जो भी चीजें मैं आपको इस हॉल में दिखा रही हूँ ना गाइस, आइदर जींस, ट्राउजर या जो भी कुछ, उन सबके लिंक्स भी ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। इन एनी केस अगर आपको वो ट्राउजर्स पसंद आ रहे हैं ना तो यू कैन गो विद देम ऑल्सो, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सो ट्राउजर के साथ में भी ना ये बहुत अच्छा लगा था। दिस इज समथिंग ना जो बहुत ही ज्यादा ना ऐसे हटके लुक क्रिएट कर रहा था। और ट्राउजर के साथ में पहनने के बाद मैंने आई गॉट टू नो कि मैं इसको ऑफिस में ना बहुत आराम से पहन सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रहा था ये पहनने के बाद में। एंड जो मटेरियल है ना, जो इसकी क्वालिटी है इज सुपर डुपर अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो रहा था, पहनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, फिटिंग भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी। एंड जो मटेरियल है इसका 100% कॉटन में है, बिल्कुल भी ना ऐसे चुभने वाला या परेशान करने वाला इसका मटेरियल नहीं है। एंड दिस इज हाउ दिस टॉप लुक। सो नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल, सो जो अगला टॉप है गाइस दिस इज अ शीर रिब्ड टॉप जो मैंने साइज एम में लिया था एंड प्राइस आई पेड फॉर इट इज 559। ये भी ऑफर में ही था, डिस्काउंटेड रेट में मैंने लिया है एंड अभी भी ये उसी डिस्काउंटेड रेट में है। इसमें भी कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, इसमें ब्लैक भी था, आई परचेज्ड इन वाइट कलर। लेट मी शो यू द टॉप फर्स्ट, दिस इज दैट टॉप। अब बोलोगे एक कैसा टॉप है, लेट मी टेल यू, ये ना एक शीर टॉप है गाइस, दिस इज हाउ दिस टॉप लुक। एंड द ओनली रीजन फॉर बाय दिस ना कि मेरे पास बहुत बहुत सारे ना टैंक टॉप्स इकट्ठे हो गए हैं और ना मैं टैंक टॉप्स ना ऑफिस में नहीं पहनती, लाइक आई डेंट लाइक टू ना मैं कि टैंक टॉप पहन के ऑफिस चली जाऊँ, मुझे ना वो आउटफिट ही पसंद नहीं आता स्पेशली इन ऑफिसेस। तो उसके लिए ना आई कीप ऑन सर्चिंग कुछ ऐसी ऐसी चीजें ना जिसके साथ मैं टैंक टॉप करके मतलब पहन सकूँ। मैं आई थिंक ब्लैक कलर भी था, एक येलो कलर था, येलो कलर भी इसका बहुत ही ज्यादा सुंदर था, वो वाला भी मेरा लेने का इतना मन कर रहा था ना, बट आई देन गॉट विद व्हाइट कलर, मुझे लगा व्हाइट ज्यादा काम आएगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी भी अगर मटेरियल की बात करें ना, इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल है, फुल स्लीव्स में ये टॉप है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी मतलब एकदम से ऐसे होता है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज की क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक ठाक से इसमें स्ट्रेचेबिलिटी भी अवेलेबल है, राउंड इसका नेक लाइन है और मैंने इसको पेयर किया था अपने वाइट कलर के टैंक टॉप के साथ में एंड इट वॉज लुकिंग जस्ट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ये ना अपना पर्पस फुलफिल कर रहा था, जिस पर्पस की वजह से मैंने इसको परचेज किया था ना, इट वॉज कम्प्लीटली फुलफिलिंग द पर्पस। एंड इसको मैंने वापस से ना ये वाला जो टॉप परचेज किया इसके साथ में भी वापस से पेयर किया था, बट टू शो यू गाइस कि ना ये किसी भी टैंक टॉप के साथ में ना, किसी भी कलर के टैंक टॉप के साथ में इसको पहन सकते हैं। सो इफ यू गाइस आर समवन की अगर जिसके पास ना बहुत सारे टैंक टॉप है और टैंक टॉप पहन के ना आप कहीं जा नहीं पाते, ये ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ और पहन ले टैंक टॉप के साथ में, तो दिस इज समथिंग आप बिल्कुल इसके साथ में जा सकते हैं। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल, तो जो अगला टॉप है गाइस दिस इज अ रिब्ड टॉप इन लाइट पिंक कलर जो मैंने 399 रुपीज में परचेस किया था। साइज अगेन मैंने इसका एम ही लिया था एंड दिस इज दैट टॉप, अ परफेक्ट 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 टॉप फॉर ऑफिस कॉलेज, उसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सा ये टॉप है। दिस इज इन रिब्ड मटेरियल, लुक एट द कलर, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ये कलर है, मतलब जो कुछ मॉव का जो हिंट होता है ना पिंक में,
वैसा वाला ये कलर है एंड दिस इज हाउ इट लुक. दिस इज जस्ट परफेक्ट 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 फॉर ऑफिस, फॉर कॉलेज अगर आप जाते हैं ना, तो दिस इज अ परफेक्ट टॉप. इसका जो मटेरियल है ना इज अ रिप्ड मटेरियल, अच्छा खासा ये स्ट्रेचेबल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड दिस इज हाउ इट वॉज लुकिंग. आगे से ना इसका वी नेक लाइन आ रहा था, पीछे से क्लोज नेक लाइन है, मतलब पीछे से कोई नेक लाइन नहीं है, आगे से वी नेक लाइन है. और पहनने के बाद में ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इसको भी ना मैंने अपने ज़ेब्रा प्रिंट के ट्राउजर्स के साथ में ही पेयर किया था एंड उनके साथ में ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मुझे फिट हो रहा था, फिटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी आई थी, कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा था एंड आई जस्ट लव द क्वालिटी, द मटेरियल, एवरीथिंग इज सो गुड. और इसकी जो हाइट आ रही थी ना मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक आ रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसे क्रॉप्ड टॉप होते हैं ना, एकदम से क्रॉप्ड नहीं हो रहा था, ठीक ठाक हाइट पे ये मुझे आ रहा था. और पहनने के बाद में ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था. सो आई जस्ट लव द मटेरियल, आई लव द फिटिंग, आई जस्ट लव द कलर एंड इन 399 दिस इज जस्ट अमेजिंग सा टॉप. सो नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉप फॉर दिस हॉल, तो जो अगला टॉपिक आई दिस इज अ रिप्ड कॉटन क्रॉप टॉप जो कि मैंने लाइट ग्रीन कलर परचेज किया है, साइज एम और प्राइस मैंने इसका पे किया है 399 rupees. इसमें दो कलर्स और भी अवेलेबल थे, ब्लू और पिंक, वो दोनों कलर भी बहुत 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 अमेजिंग थे. बट आई पुट माई हैंड्स इन लाइट ग्रीन कलर, मुझे ये वाला कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड दिस इज हाउ दिस टॉप लुक. दिस इज जस्ट अमेजिंग गाइस. जो एक कैमी टॉप होते हैं ना, दिस इज जस्ट लाइक अ कैमी टॉप. और उसका जो मटेरियल है ना इज अ रिप्ड मटेरियल, अच्छा खासा स्ट्रेचेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था ये पहनने के बाद में, सुपर डुपर स्ट्रेचेबल, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी इसकी स्ट्रेचेबिलिटी है. इसका जो नेक लाइन है इज अ राउंड नेक लाइन, आगे और पीछे दोनों तरफ से ही इसका ये राउंड नेक लाइन है. और इसमें इस तरह से ना यहाँ पे ये वाइट कलर से डिटेलिंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से ना ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और पहनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था. तो इस तरह के टॉप्स को ना गाइस अगर डेनिम जैकेट पहन रहे ना तो उसके नीचे पहन लीजिए, अपनी वाइट शर्ट के नीचे पहन लीजिए, मतलब बहुत सारे तरीके से ना हम इस तरह के टॉप्स को ना पेयर कर सकते हैं. और सबके पास ना एक कैमी टॉप तो होना ही चाहिए. वंस यू हैव अ कैमी टॉप ना, तब आपको पता लगेगा कि कैमी टॉप ना इज मस्ट 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 हैव इन एवरी वार्डरोब एंड दिस इज हाउ दिस कैमी टॉप वाज लुकिंग. इसका जो मटेरियल है ना इज 100% कॉटन. इस तरह के टॉप्स ना ट्रिप्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड आई जस्ट लव द क्वालिटी, फिटिंग, एवरीथिंग इज सो गुड. सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड दिस इज हाउ दिस टॉप लुक्स. And that's all for today's video. I hope आपको ये video पसंद आया होगा. If you liked it, then please hit the like button. और अगर अभी तक guys channel को subscribe नहीं किया है, then please subscribe the channel और उस bell icon को भी hit कर देना, so that you get notified for every new video that I'll post on the channel. And till then guys, अपना ख्याल रखो, take care, bye.